मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रबंध काव्य 7 सर्ग में विभाजित है और हम आज उसके चौथे सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस चतुर्थ सर्ग में महाभारत के युद्ध के कारणों, सच्चे योद्धा का धर्म, हृदय और बुद्धि का द्वंद, भीष्म पितामह द्वारा किए गए कार्यों का वो स्वयं विश्लेषण आदि विषयों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए विचार किया गया है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर भीषण नरसंहार को देखकर पश्चाताप और ग्लानि से भर उठते हैं तो अपने शोक का निवारण करने भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ भीष्म पितामह उसके मन को डांडस बंधाते हुए उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह महाभारत का युद्ध केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा या सपने की पूर्ति नहीं है। इस युद्ध में न जाने कितने सारे कारण थे जो एक उचित अवसर की तलाश कर रहे थे और वो उन्हें इस समय तुम्हारे और तुम्हारे कौरव भाइयों के युद्ध में प्राप्त हो गया। इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा जो चाहे किसी भी कारण से क्षुधित थे, वो कुछ तुम्हारी ओर और कुछ कौरवों की ओर अपनी अपनी भावना के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, संकल्प के अनुसार अथवा प्रतिशोध के अनुसार बटकर खड़े हो गए थे। यह तो युद्ध होना ही था जो अवसर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। यहाँ इस सर्ग के अंतर्गत इसीलिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, स्वत्व यानी अपने अधिकार की खोज करना पाप नहीं है। पाप वह होता है जो दूसरों का हक छीनता है, अन्याय, अनीति और अत्याचार का अनुकरण करता है अथवा चुपचाप उसे कोई सहता चला जाता है। मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय है। जहां तक संभव होता है वह लड़ाई, झगड़े और युद्ध जैसे कारणों से बचना चाहता है, लेकिन जब दानवता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सहने की शक्ति जवाब दे देती है तो प्रतिशोध, युद्ध अथवा प्रतिकार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो इस प्रकार के युद्ध की पृष्ठभूमि अपने आप तैयार हो जाती है और युद्ध भड़क उठता है। महाभारत केवल तुम दो पारिवारिक भाइयों का युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें संपूर्ण देश का भीषण विस्फोट था। इसमें संपूर्ण देश की भागीदारी थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारे संग आकर जुड़ गया था। हे युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध केवल एकाएक घटित होने वाली घटना नहीं है, बल्कि बहुत सारे घटनाक्रमों का श्रृंखलाबद्ध एक दस्तावेज है। महाभारत का बीज तो उसी दिन पड़ गया था जिस दिन रंगभूमि में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का चमत्कार दिखाया था और दुर्योधन उसे सहन नहीं कर पाया था।
फिर न जाने कितनी घटनाएं इस प्रकार घटती चली गई जो आग में घी का कार्य करती रही। और द्रौपदी के चीरहरण ने तो इस अग्नि को और अधिक भड़का दिया। यह दुर्घटना तो पूरे कुरु वंश के लिए, पूरे खानदान के लिए बड़ा अपमानजनक विषय है। हे युधिष्ठिर, उस घटना का विरोध हमारे द्वारा न कर पाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी हार है। मैं आज भी समझता हूँ कि उसका विरोध न करके मैंने अपने ही वीरत्व पर, अपने ही शौर्य पर, अपने ही पुरुषार्थ पर एक कलंक लगा दिया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। भीष्म पितामह में शूरता का धर्म समझाते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं, एक सच्चा शूरवीर, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो तलवार की तेज धार पर पांव रखकर मचलता है, जो दहकते हुए अंगारों पर निर्भय होकर चलता है, जो अपनी छाती पर प्रहार सहता है और हंसते हंसते जहर पी लेता है। वीर पुरुष वह है जिसकी वीरता, जिसका शौर्य हमेशा प्रज्वलित रहता है। यहाँ हृदयवाद और बुद्धि के द्वंद को भी बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि अत्यधिक बुद्धि तर्क को जन्म देती है, कि जब जब मनुष्य बौद्धिकता को स्पुर्द हो जाता है, बौद्धिकता को समर्पित हो जाता है, वह कायर बन जाता है। क्योंकि न्याय अन्याय, नीति अनीति, पाप पुण्य पर वह तर्क की उस सीमा तक पहुंच जाता है कि धीरे धीरे करके उसका जोश, उसका शौर्य कुंठित होता चला जाता है। इसलिए वो समय पर कोई फैसला नहीं ले पाता और जीवन में अंत तक अपमान झेलता रहता है। इसलिए मानव को अपने मन की शांति के लिए, जीवन में सफलता के लिए हमेशा बुद्धि और हृदय में तालमेल बनाकर चलना चाहिए। चौथे सर्ग के अंत में कविवर भीष्म पितामह के माध्यम से समझाते हैं कि धर्म और स्नेह दोनों में हमेशा तालमेल होना चाहिए। भीष्म पितामह अपने जीवन में इसी प्रकार का घटनाक्रम याद करते हुए बताते हैं कि मैं हमेशा कौरवों की सेवा करता रहा क्योंकि हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा का मेरा संकल्प था। इसलिए मैंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया और हृदय से प्यार मैं पांडवों को देता रहा। इसलिए कौरवों को मेरा शरीर और पांडवों को मेरा मन मिला। आज मैं तुम्हारी जीत से संतुष्ट हूँ कि मैं अपने धर्म और अपने हृदय दोनों से न्याय कर पाया। आइए बच्चों, अब हम इसी प्रकार के भावों से भरे इन पदों की व्याख्या आरंभ करते हैं। संख्या 25। धर्म राज कोई न चाहता अहंकार निज खोना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन होनत खोना। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के चौथे सर्ग से लिया गया है। इस सर्ग में मुख्यतः महाभारत के युद्ध के कारणों पर विचार किया गया है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए भीषण नरसंहार को देखकर, अपार जनधन की हानि को देखकर युधिष्ठिर का मन वैरागी हो गया और उसे जीवन में, राजपाट में और जीवन के आनंद में कोई रुचि नहीं रही, तो वह भीष्म पितामह के समक्ष अपनी मनस्थिति को व्यक्त करते हैं। तब
भीष्म पितामह उसे समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ, धर्मराज हे धर्म के ज्ञाता अर्थात युधिष्ठिर, कोई न चाहता, किसी की भी यह इच्छा नहीं होती। अहंकार अहंकार को, अहम भाव को, निच अपना खोना, समाप्त करना। उच्च सत्ता अपने से शक्तिशाली शासन, सम्मुख के सामने सन्मन, शुद्ध भाव से, पवित्र इच्छा से, पवित्र भावना से नत झुकना। यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन में छाए पाप बोध, पश्चाताप, गिलानी और वैराग्य की भावना का उन्मूलन करते हुए, उनका समापन करते हुए उसे कर्म पथ पर जोड़ने के लिए उसे समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह महाभारत का युद्ध केवल तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं है, इसमें अनेक कारण सक्रिय भागीदारी दे रहे थे। उन कारणों में राजसूय यज्ञ भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि इसके माध्यम से अनेक छोटे राजाओं को तुम्हारे छत्र के अधीन आना पड़ा, जो मानव स्वभाव के लिए स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि धर्म राज कोई न चाहता अहंकार निज खोना। कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव अपने अहम को नष्ट होते नहीं देख सकता, क्योंकि दूसरे की दृष्टि में बेशक वो अहंकार हो, लेकिन अपनी दृष्टि में वो स्वाभिमान होता है। किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना, कि कोई भी व्यक्ति अपने से ऊंचे शासन के सामने हृदय से झुककर अपने सम्मान को खोना, अपने स्वाभिमान को खोना पसंद नहीं करता। अर्थात प्रत्येक राजा अपने अपने राज्य, अपनी अपनी रियासत की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए, अपने सम्मान की रक्षा हमेशा करना चाहते हैं। कि जो भी राजसूय यज्ञ के दौरान इंद्रप्रस्थ में विलीन हुए अथवा विलय हुए, वो सब विवशता के कारण, लाचारी के कारण, मजबूरी के कारण जुड़े, अतः उनके हृदय में जो उथल पुथल थी, जो हलचल थी, जो कष्ट था, उसकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। जो इस राजसूय यज्ञ के दौरान उन राजाओं के व्यवहार को देखकर हमें प्राप्त हुई। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन में समाये हुए पाप बोध, आत्मगिलानी, पश्चाताप और वैराग्य की भावना को समाप्त कर उसे कर्म पथ पर जोड़ना चाहते हैं। अतः वो महाभारत के युद्ध के कारणों के विषय में युधिष्ठिर को समझाकर उसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह महाभारत का युद्ध केवल तुम्हारी इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि अनेक कारण थे जो इसके मूल में कार्य कर रहे थे। तुम्हारा राजसूय भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य अथवा कारण बना, क्योंकि इस यज्ञ के दौरान अनेक राजा महाराजाओं को लाचारी से, विवशता से, मजबूरी से इंद्रप्रस्थ में विलीन होना पड़ा, जो उनके स्वाभिमान और अहंकार पर उन्हें एक चोट महसूस हुई। मानव का स्वभाव है कि धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज खोना। कि हे युधिष्ठिर, इस संसार का एक भी व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट होते नहीं देख सकता, क्योंकि यह उसकी दृष्टि में उसका स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है। जब भी किसी का सम्मान चोटिल होता है, आहत होता है, घायल होता है, तो उसकी
इसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना कि किसी भी अपने से अधिक शक्तिशाली शासन के सामने कोई भी सद्भावना से, विशुद्ध भावना से, सात्विक हृदय से उसके सामने नतमस्तक नहीं होना चाहता। अर्थात यदि कोई अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के समक्ष झुकता है, उसकी दासता को स्वीकार करता है, उसमें खो जाता है, तो निश्चित रूप से यह उसकी लाचारी और विवशता होती है और वह उस अवसर की तलाश करने लगता है जब वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर ले और उसे प्राधीन करने वाले, उसे अधीन करने वाले को वह मिटा दे। तो ऐसे ही अनेक राजा इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हारे विरुद्ध एकत्रित हुए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मानव अपने अहंकार और संकीर्ण सोच के कारण कभी भी विनम्र शालीन नहीं हो सकता। उसका अहंकार भाव उसके सामने अनेक प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर देता है। विशेष यहां कवि मनुष्य के अहंकार भाव के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहां संबोधन, अनुप्रास, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 26, सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहां जब महाभारत के युद्ध के समापन के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई भीषण जनधन की हानि को देखकर युधिष्ठिर का हृदय व्यथित हुआ, पश्चाताप, आत्मग्लानि और वैराग्य से भर गया, तो वह अपने दुखी मन को भीष्म पितामह के समक्ष खोलकर रख देते हैं। ऐसे में भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, सभी भारतवर्ष में अनेक ऐसे राजा जो इंद्रप्रस्थ को अपना सम्राट स्वीकार कर रहे थे, तुम्हारे अर्थात तुम्हारे ध्वज झंडा के नीचे तले या साथ जुड़े, प्रणय प्रेम से, भक्ति भाव श्रद्धा से भरकर, कृपाण तलवार भय डर, कि यहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह युद्ध तुम्हारी महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं है और ना ही इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तुम अथवा दुर्योधन जिम्मेदार हो। इस युद्ध में अनेक ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस युद्ध की पृष्ठभूमि को रचा है। तो यहां ऐसे ही कारणों पर नजर डालते हुए युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम्हारा राजसूय यज्ञ भी इस युद्ध की रचना में एक विशेष भूमिका निभाता है। तो इस राजसूय यज्ञ के दौरान जो राजा लोग तुमसे मिले थे, सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे ना प्रणय से, कि जो इंद्रप्रस्थ को अपना सब कुछ सौंप चुके थे, अपना सम्राट स्वीकार कर चुके थे, वो प्रेम से नहीं आए थे, त्याग की भावना से नहीं आए थे, सद्भाव से नहीं आए थे, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा रखकर, तुम्हारे प्रति प्रेम रखकर, तुम्हारे प्रति आदर रखकर तुमसे मिले थे और तुम्हें एक गुणी, सदाचारी, धर्माचारी और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देख रहे थे और राष्ट्र का एक उच्च नेता, आदर्श नेता के रूप में स्वीकार कर रहे थे, जबकि कुछ कृपाण के भय से और कुछ तुम्हारी अत्यंत शक्तिशाली सेना की डर से
तुमसे मिल गई थी, क्योंकि तुम्हारी सेना का विरोध करने की उनमें क्षमता नहीं थी। अर्थात जितने भी लोग अथवा राजा जो तुम्हारे अधीन तुम्हारे साथ जुड़े, वो सब अलग अलग मनोभावों को लेकर तुम्हारे साथ जुड़े। कुछ लाचारी और व्यवस्था में, कुछ डर में और कुछ श्रद्धा भाव से। आइए बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं। यहां भीष्म पिता में युधिष्ठिर के हृदय से पश्चाताप, आत्मग्लानि, वैराग्य की भावना को निकालकर उसे कर्म पथ पर जोड़ना चाहते हैं। अतः वो इस महाभारत के रण क्षेत्र की रचना में सहयोगी तत्वों पर नजर डालते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा राजसूय यज्ञ भी इस महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो राजा लोग इंद्रप्रस्थ को अपना सम्राट स्वीकार कर रहे थे, इंद्रप्रस्थ को अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे थे, उन सबके मनोभाव विचार अलग अलग थे, क्योंकि सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे ना प्रणय से कि तुमसे मिलने वाला प्रत्येक राजा तुम्हारे प्रति प्रेम या त्याग का भाव नहीं रखता था। वो अपनी लाचारी में, अपनी व्यवस्था में तुमसे जुड़ गए और उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का भाव बलवती हो गया। कुछ आए थे भक्ति भाव से और कुछ तुम में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा के गुण देख रहे थे। तुम्हारे सदाचारी धर्माचारी व्यक्तित्व को देख रहे थे, तुम्हारी न्याय प्रियता में उनको भरोसा था और तुम्हारी सत्य निष्ठता पर उनका विश्वास था। अतः वो तुम्हारे साथ श्रद्धा से, प्यार से, आदर से जुड़ गए, कुछ कृपाण के भय से। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो तुम्हारी तलवार की डर से, अर्थात तुम्हारी शक्तिशाली सेना के भय से तुम्हें अपना राजा स्वीकार कर रहे थे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जो भी लोग इस राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ के समक्ष झुक गए अथवा उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया, उन सब के मनोभाव अलग अलग थे, इसलिए प्रतिक्रिया भी अलग अलग हुई। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण प्रत्येक कार्य को देखता है, समझता है, मूल्यांकन करता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। विशेष, यहां कवि ने इस तथ्य पर प्रकाश डालने की कोशिश की है कि इस संसार में जितने भी युद्ध और आंदोलन हुए हैं, वो हमेशा मनुष्यों की, बहुसंख्यक लोगों की प्रतिक्रिया का परिणाम होते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ संबोधन, अनुप्रास, उल्लेख, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 27, मगर भाव जो भी हो सबके एक बात थी मन में, रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो ऐसे में युधिष्ठिर अपने मन में पश्चाताप, आत्मग्लानि और वैराग्य के भाव को लेकर पहुंचता है और वह इस राजसत्ता से अधिक महत्व वैराग्य को देता है। तो भीष्म पितामह उसे समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, मगर परंतु भाव भावना जो भी हो, कि जो भी राजा तुमसे जुड़े उनके चाहे कोई भी भाव हो, एक बात थी मन में, कि सबके मन में एक बात तो जरूर थी कि जो भी तुमसे जुड़ रहा था वो अपने सम्मान को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा था। रह सकता अक्षुण, अक्षुण माने
सुरक्षित, अछूता दोष से रहित निष्कलंक, मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान, वंदन वंदना करना झुकना दास्ता अथवा शक्ति को स्वीकार कर लेना। यहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन से पाप बोध पश्चाताप आत्मग्लानि वैराग्य को निकालने के लिए उसे महाभारत के युद्ध के कारणों के विषय में पर्याप्त मात्रा में समझाने की कोशिश करते हैं और वो राजसूय यज्ञ को एक महत्वपूर्ण कारण मानकर समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, चाहे इंद्रप्रस्थ से मिलने वाले या इंद्रप्रस्थ में अपने राज्य को विलीन करने वाले अथवा उसे एक सर्वश्रेष्ठ सम्राट के रूप में स्वीकार करने वाले राजा, मजबूरी में तुमसे मिले हो अथवा श्रद्धा भाव से मिले हो अथवा तुम्हारी शक्तिशाली सेना के डर से मिले हो, लेकिन एक बात तो सबके हृदय में थी और ये सही भी थी कि चाहे वो तुम्हारे साथ, मगर भाव जो भी हो सबके एक बात थी मन में कि वो किसी भी भाव से तुमसे जुड़े हुए हैं अथवा इंद्रप्रस्थ के राज्य को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रहे हूं। लेकिन सभी राजाओं के हृदय में एक बात समान रूप से थी कि अब वो अपनी प्रजा के सीधे राजा नहीं थे बल्कि तुम्हारे प्रतिनिधि थे। अब जनता के सीधे राजा तुम थे। उनकी स्वतंत्रता, उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान और जनता की दृष्टि में उनके अधिकार अब सीमित हो रहे थे, क्योंकि रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में कि उनका मुकुट अब निष्कलंक नहीं रह सकता था, शुद्ध नहीं रह सकता था, प्रभुता संपन्न अथवा शक्तिशाली नहीं रह सकता था, क्योंकि अब उस मुकुट को उनके सिर पर रखने वाले हाथ तुम्हारे थे। अतः उन्होंने जो राजमुकुट पहना था अब वो केवल तुम्हारी दया दृष्टि पर, तुम्हारी इच्छा पर सुरक्षित रह सकता था, अन्यथा वो दूषित हो चुका था, कलंकित हो चुका था। आइए बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पाप बोध पश्चाताप आत्मग्लानि और वैराग्य से बाहर निकालकर उसे कर्म पद पर जोड़ना चाहते हैं। अतः उसे महाभारत के युद्ध के कारणों के विषय में पर्याप्त मात्रा में समझाना चाहते हैं और राजसूय यज्ञ को भी उसका एक महत्वपूर्ण घटक अथवा कारक समझते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी राजा इंद्रप्रस्थ में शामिल हुए थे, चाहे वो तुम्हारे ध्वज के नीचे भय से आए हो अथवा विवशता में आए हो अथवा श्रद्धा भाव से आए हो, लेकिन अब वो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न राजा नहीं थे, क्योंकि मगर भाव जो भी हो सबके बात एक थी मन में कि वो किसी भी भावना से तुम्हारे अधीन आए हो, लेकिन वो तुम्हारे अधीन थे। इसलिए यह अधीनता का भाव, यह दासता का भाव और तुम्हारी सर्वोच्चता का भाव उनके हृदय में समा चुका था। रह सकता अक्षुण मुकुट का मान न इस वंदन में कि जब वो तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक हो गए, तुम में विलीन हो गए, तो निश्चित रूप से उनका राजमुकुट अब प्रभुता संपन्न शक्तिशाली नहीं था। अब तुम जनता के और राजा के एक प्रतिनिधि के रूप में वो हो सकते थे, वो तुम्हारे अधीन थे, तुम्हें सर्वोच्च स्वीकार कर चुके थे। अतः ऐसी स्थिति में उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान, उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी, और जब भी किसी के सम्मान को चोट पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो अपना उसे अपमान समझता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यह एक
सर्वसाधारण के लिए सत्य है। यह एक सर्वसच तथ्य है कि चाहे मनुष्य भक्ति भाव से ही किसी के चरणों में जाए तो उसकी दास्ता तो निश्चित रूप से उस पर होती है। और जब भी हम किसी से जुड़े तो सद्भावना, प्रेम और अपनापन होना ही चाहिए और साथ में त्याग का भाव भी होना चाहिए। अगर वो त्याग का भाव नहीं है तो वो अहंकार है और अहंकार निश्चित रूप से एक दिन अपना सिर उठाता है। विशेष यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य का अहंकार जब जब घायल होता है तब तब वो प्रतिशोध के लिए प्रेरित होता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता छाई हुई है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 28, लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा आता है। प्रसंग पूर्वत संदर्भ, यहाँ जब महाभारत के युद्ध के बाद भीषण नरसंहार को देखकर युधिष्ठिर के हृदय में अथा दुख, पश्चाताप, आत्मगिलानी बढ़ जाती है तो उनके लिए यह जीत और यह राजमुकुट बेकार बेमानी लग हो जाते हैं और वो वैराग्य को इनसे अधिक महत्व देते हुए, इनसे अधिक मूल्यवान मानते हुए भीष्म पितामह के समक्ष अपने वैराग्य भाव को प्रकट करते हैं। तो भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार, लगा उन्हें कि इंद्रप्रस्थ में विलीन होने वाले राजाओं को महसूस हुआ, सिर पर उनके सिर पर अर्थात उनके जीवन पर सबके सारे राजा जो तुमसे मिल गए, दासत्व दासता का भाव, पराधीनता का भाव, परवस्ता का भाव, प्रतंत्रता का भाव, गुलामी का भाव चढ़ा जाता है, चढ़ रहा है। राजसूय एक यज्ञ का नाम, साम्राज्य विशाल भूखंड, एक बड़ा शासन तंत्र। यहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन से पाप बोध, पश्चाताप, आत्मगिलानी और वैराग्य के भावों को निकालना चाहते हैं। महाभारत के युद्ध के कारणों पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डालते हैं और राजसूय को भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी राजसूय यज्ञ के दौरान तुमसे जुड़ने वाले राजा लोग थे अथवा इंद्रप्रस्थ को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने वाले राजा लोग थे, वो एक बात तो एक मत से स्वीकार कर रहे थे कि तुम्हारे अधीन आने के बाद, इंद्रप्रस्थ से जुड़ने के बाद उनकी स्वतंत्रता, उनकी प्रभुता संपन्नता, उनका शक्तिशाली छत्र सुरक्षित नहीं है। अब वो पूर्ण संप्रभुता संपन्न नहीं है। अब उनके ऊपर एक और राजा है जिसका नाम युधिष्ठिर है। अतः लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है कि इस राजसूय यज्ञ के दौरान जो भी वहां विलीन हो रहा है उनके जीवन में दासता बलवती हो रही है, अर्थात निश्चित रूप से उन्हें तुम्हारी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, प्राधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। राजसूय में से कोई साम्राज्य बड़ा आता है, इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से कोई न कोई साम्राज्यवादी ऐसी नीति उनके राज्य को अपनी भूख का अंग बना रही है, अर्थात उनके राज्य को, उनकी शक्ति को, उनकी स्वतंत्रता को, उनकी शासन प्रणाली को, उनकी न्याय प्रणाली को कोई न कोई शक्ति निगल रही है, समाप्त कर रही है। अर्थात जो भी राजा तुमसे मिल रहे थे वो अपना सर्वस्व जब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहे थे तो निश्चित रूप से वो तुम्हारी दासता को स्वीकार कर रहे थे। आइए बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहां कविवर
बता रहे हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर के हृदय से पाप बोध, पश्चाताप, आत्मग्लानि और वैराग्य के भावों को निकालकर उसे कर्म पथ पर जोड़ना चाहते हैं। अतः महाभारत के युद्ध के कारणों पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डालते हैं और राजसूय को भी उसका एक अभिन्न अंग मानते हुए वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी राजा इंद्रप्रस्थ को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार कर रहा था, अपने आप को तुम्हारे अधीन कर रहा था, वो निश्चित रूप से यह जानता था कि वह अपने आप को नहीं, अपने राज्य के लोगों के अधिकारों को, अपने अधिकारों को, अपनी संप्रभुता को, अपने स्वतंत्र भाव को, अपनी शक्तिशाली प्रतिष्ठा को सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा था। और ऐसी स्थिति में उनका जीवन दासत्व की ओर बढ़ रहा था, दासता की ओर बढ़ रहा था। और यह भी तय था कि इस राजसूय यज्ञ के बहाने कोई साम्राज्यवादी नीति उनके राज्य को अपने राज्य में मिला रही थी। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि राजसूय यज्ञ उन्हें अपनी स्वतंत्रता, अपना सम्मान, अपनी संप्रभुता और अपने अधिकारों को छीनने का एक बहाना सा नजर आ रहा था, जो एक साम्राज्यवादी व्यक्ति की नीति के रूप में देखा जा रहा था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि राजसूय यज्ञ का यह एक भीषण परिणाम था कि जो भी उसमें मिल रहा था वो निश्चित रूप से अपने हृदय में एक दर्द, एक पीड़ा अवश्य समेटे हुए था और जिसकी प्रतिक्रिया होनी तय थी। विशेष यहाँ कवि ने राजसूय में शामिल होने वाले राजाओं की मनस्थिति का बड़ा विशद विश्लेषण प्रस्तुत किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन, उत्प्रेक्षा, संभाव, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया है। अपने भाव में विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।